जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। जबकि आज के सुबह हम अपने स्थानों पर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की मैं वचन से पढ़ना चाहूंगा मत्ती उसका 6 उसका 26, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? कितना खूबसूरत वचन परमेश्वर का। जबकि हमारे दिमागों में कहीं प्रश्न चल रहे होंगे, मनों में, जो कि इसके उत्तर भी हमारे पास नहीं होंगे, पर परमेश्वर का वायदा जो कभी टलते नहीं, वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर की बहुमूल्य रचना है हम, और इसके लिए हम बहुत मायने रखते हैं। आए जबकि हम उसके नाम की आराधना करते हैं आज की सुबह। जय मसीह की कॉर्नरस्टोन परिवार, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए डिवोशन के साथ, एक नए मनन और चिंतन के साथ में उपस्थित हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हूँ। हो सकता है शायद कल आपका जो है दिन बड़ी बेचैनी के साथ में और चिंताओं के बीच में गुजरा होगा, क्योंकि हमारे पास में लगातार ये सूचना आ रही है कि किस प्रकार से जो है कोरोना वायरस का संकट कहर जो है आगे बढ़ेगा। और हमारे देश के बारे में भी कई जो है न्यूज़ मैगजीन्स, काफ़ी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बात की घोषणा कर रहे हैं, उनके रिसर्च बता रहे हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है इस बीमारी से पीड़ित होंगे, पॉजिटिव होंगे, बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। सचमुच में ये चिंता का विषय है। आप पर मैं, हम सब जो है, हमें चिंता करनी चाहिए और साथ ही सावधानी भी बरतनी चाहिए कि हम लोग जो है बाहर ना निकलें, बार बार बाहर ना निकलें, अपने लिए जो भी राशन की व्यवस्था करनी है, खाने पीने की जो व्यवस्था करनी है, जिस कारण से हम बाहर हम जाना चाहते हैं, क्यों ना हम लोग जो है उसको पहले से अपने घर में रख लें। हमारे पास में खाने पीने के सामान इकट्ठा करने का समय है ये, और आप जरूर इकट्ठा करें और अपने घरों के भीतर में रहें। आपकी सुरक्षा इसी बात में है कि आप घर के भीतर हैं। और साथ ही जब हम घर के भीतर हैं तो एक काम रोज हमें जरूर करना है, और वो ये है कि हम अपना क्वालिटी समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं।
मैं आपके लिए इस समय में होशे की किताब उसके छठवें अध्याय के 1-3 पद को पढ़ूंगा। ध्यानपूर्वक हम लोग जो इस समय में सुनेंगे, यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में से निकाल सकते हैं होशे अध्याय 6:1-3, होशाया चैप्टर 6:1-3, होशे किताब 6 अध्याय उसका 1-3 पद। आइए मिलकर एक साथ हम लोग इसे पढ़ लें। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसने मारा और वही हमारे गांव पर पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और 3रे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नहीं हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। प्रभु अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। जब हम लोग अपने घरों के भीतर में मौजूद हैं, हमें एक काम रोज करना है, और वो काम ये है जो 3रे पद में लिखा हुआ है, आओ हम ज्ञान को ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ व्हाइल यू आर इन द होम, गेट हिज नॉलेज। इट मीन्स गेट इन टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान ढूंढिए प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान ढूंढिए इस समय में। बैक टू द बाइबल, आप बाइबल के तरफ में वापस लौटे, पढ़िए बाइबल को बार बार, उसके ज्ञान से भर जाइए, रोज उसके ज्ञान को प्राप्त कीजिए, रोज उसके ज्ञान को प्राप्त कीजिए। उसका वचन कहता है यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। मेक ए प्रॉमिस, आप यत्न करें, प्रयास करें, कोशिश करें कि आप प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करें। अरे आपके लिए लाभदायक है, ये अनंत तक बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। मुझे याद है वो गीत, जब मैं बचपन में जितने मैं सुना करता था, और गीत के बोल ये हैं, ऐ खुदा तेरे कर्म की नजर किधर ना हुई, क्या कोई है ऐसा जिस पर तेरी नजर ना हुई। और उस गीत का पहला जो स्ट्रेंजर है बोल है वही है, माना किस्मत में अंधेरा है मगर तू है तो बता, क्या कोई शाम है जिसकी सहर ना हुई। गीत का लिखने वाला ये कह रहा है कि हो सकता है कि हम लोग किस्मत में विश्वास नहीं करते हैं, पर गीत का लिखने वाले ने लिखा है कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी में सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जिंदगी बड़ी गुर्बत में है, बर्बादी में है जिंदगी मेरी, पर मुझे कोई ये तो बताए कि क्या ऐसी कोई शाम है जिसकी सहर ना हुई। सहर का मतलब है सुबह। क्या कोई ऐसी काली रात है जिसकी सुबह ना हुई हो। हर एक काली रात की एक सुबह होती है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, और खास करके इस पद को जहां लिखा हुआ है यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, इसका अर्थ यह है कि हर एक रात की जो ढलने का समय है, रात बिखर जाएगी, रात समाप्त हो जाएगी जैसे ही भोर होगा, तो भोर का होना निश्चित है। अगर रात कितनी भी काली क्यों ना रहे, सुबह जरूर होगी। उसी प्रकार से यहोवा का प्रकट होना भी निश्चित है। यह लिखा हुआ है वह वर्षा की नहीं हमारे ऊपर में आएगा, वह वर्षा के नहीं हमारे ऊपर आएगा, वह भरपूरी के साथ हमारे ऊपर में आएगा। और वो दिन आ रहा है जागृति का, वो दिन आ रहा है रिवाइवल का, जहां पे हम लोग जो है परमेश्वर को अपने ऊपर बरसता हुआ पाएंगे। वो बरसात के मानिंद हम पर आएगा, वो बरकत की बारिश लेकर के आएगा, उसके आशीष की बरसात निश्चित रूप से हम पर होगी, वो हम पर होगी। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि वो यहोवा वर्षा के नहीं हमारे ऊपर आएगा, वरन वर्षा के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। अप्रियो, इसका अर्थ यह है कि वो तह तह तक जाएगा, वो गहराई में जाएगा,
वो जड़ों तक जाएगा। क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ है सींचना का अर्थ यह है कि वो फिर से खिलाएगा। कल जब रविवार है, कल मैं जो संदेश लेकर के आऊंगा उस संदेश में जो है मैं इसी बात को वापस रखूंगा कि गॉड इज इन प्रोसेस ऑफ रीबूटिंग, वो दुनिया को नया कर रहा है। He is rebooting the world। इसका अर्थ यह है कि वो वर्षा की नई आएगा और बरसात के अंत की वर्षा की नई आएगा जिससे भूमि सींचती है, तो वो सब कुछ नया करेगा। नया पत्ते लगेंगे, नए फल लगेंगे, दुनिया नई होगी, सब कुछ नया होगा। और ये जो है जिस तरह से दुनिया में इस समय में त्राही त्राही मची हुई है, भय का वातावरण है, लोग जो है घबराए हुए हैं प्रियो, जो है दुनिया के शासकों को पता नहीं कि करना क्या है, ऐसे समय में प्रभु के आमद उसके आने का इंतजार है आप और मैं करें। क्योंकि लिखा हुआ है उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वो वर्षा के नहीं हमारे ऊपर आएगा वरन बरसात के अंत के वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। He will do everything new। वो सब कुछ नया करेगा क्योंकि वो यहोवा भोर के समान निश्चित रूप से प्रकट होने वाला है। और बरसात के अंत की जो वर्षा है उसके समान वो बरसेगा और उससे हमारा नुकसान नहीं होगा प्रियो, उससे हम बह नहीं जाएंगे, हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे, उसमें हम डूब नहीं जाएंगे। पर वो बरसात जो तेजी से आने वाली है वो जड़ों तक जाएगी। इसका अर्थ है हम फिर से फलेंगे, अब फूलेंगे, अब बेहतर हम लोग फल देंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं शेयर मार्केट टूट गया है, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, चीजें बहुत उथल पुथल से भर चुकी है, अव्यवस्थित हो चुकी है, दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। इस वचन पे मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जो है जो बरसात देगा वो हमारी जड़ों तक जाएगी, आज सब कुछ फिर से नया होगा, अब बेहतरीन होगा। हम लोग दुआ यही मांगे प्रभु से कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। डोंट गेट वरीड और स्ट्रेस्ड, आप चिंतित मत होइए, तनाव में मत रहिए प्रियो। जो उसे करना है वो कर रहा है और वो करेगा क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा है और उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। आप और मुझको जो एक काम करना है, कोई काम ये है, आइए उसके ज्ञान को ढूंढें, यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करें, मनन चिंतन करें उसके वचन में, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और आइए जब उसके प्रकट होने की तैयारी हम लोग करें, जब वो प्रकट होगा तो उसको हम लोग स्वीकार कर सकें। Let's prepare ourselves for His revelation। He will reveal Himself। Let's prepare ourselves। आइए अपने आप को तैयार करें कि हमारा प्रभु जब प्रकट होगा तो उसको हम स्वीकार कर सकें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आज आपका दिन बेहतर रहे, आप प्रभु में खुश रहें, इत्मीनान में रहें, परिवार के साथ समय बिताएं, खूब प्रार्थना करें, अपने आप को जो है प्रभु की उपस्थिति में रखें प्रियो, और ऐसे जियो मानो कि प्रभु बस बहुत जल्द ही प्रकट होने वाला है। लिव अ लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कमिंग, वो प्रभु प्रकट होने वाला है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपने दुआ में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, सब इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम भाई और बहनों को जहां भी मौजूद है आप अपनी बरकतों और आशीषों से भरते हैं प्रभु, आपकी दया का हाथ प्रत्येक पर रहने वाला है। मैं दुआ मांगता हूं प्रभु जी, कोरोना वायरस के प्रकोप को आप पृथ्वी से हटाएं, प्रभु जी इसका जो स्प्रेड है उसको समाप्त करें, वैक्सीन को डेवलप करने में मदद करें प्रभु जी, अब अपने ज्ञान को प्रकट करें कि वैक्सीन डेवलप किया जा सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता जितने भी लोग कोरोना वायरस के पीड़ित हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं प्रभु जी, आप उनको चंगाई दें, उनको शिफा दें,
ताकि वो प्रभु जी अपने प्रियजनों के साथ फिर से खुशियां मना सके। आप जीवन के देने वाले हैं प्रभु जी, जीवन लगातार मानव को दीजिए। पृथ्वी को प्रभु जी आप संभाले, इस दुनिया को आप संभाले। आपकी दया की हमें जरूरत है, आप दया करें। सारे नर्सेस, डॉक्टर्स, जितने भी प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी लोग जो है एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रभु जी उन सबको आप अपनी बरकतों से भरें, आप उनकी हिफाजत करें। इस देश पे आप दया करें कि प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सभी का आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको खुश।